हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम अभी जानते हैं कि अभी हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट में एडमिशन की प्रोसेस जारी है, तो हम जानते हैं कि यदि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर जिन्होंने 12th पास कर लिया है और वो आगे अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं, तो कैसे वो एडमिशन ले सकते हैं। कई बार उनको जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्लेट के द्वारा उनको एडमिशन नहीं मिलता, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, कौन कौन सी कॉलेज होती हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर हमें लॉ में एडमिशन लेना है और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो होती हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हाँ, इंडिया में सबसे बेस्ट जो लॉ कॉलेज होती हैं वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो लगभग 20 से 22 यूनिवर्सिटी हैं जो इंडिया में हैं। तो इसके लिए अगर आपको इन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम दें, वो उसका नाम है क्लैट। और क्लैट एंट्रेंस एग्जाम अभी हो चुका है, इसकी जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और एग्जाम भी हो चुके हैं। तो अब अगर स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम क्लैट दें, तो वो अब इस साल क्लैट नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद सबसे जो सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हमारे इंडिया में कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे DU LLB 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, डॉक्टर हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश सागर में है, इसके साथ साथ इलाहाबाद, लखनऊ, ये कुछ ऐसी बड़ बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कैसे एडमिशन मिलता है मैं अभी आपको ये जो कंप्लीट करने के बाद सबका बताऊंगा कि हम कैसे इनमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है स्टेट यूनिवर्सिटी। हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पे देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ऐसे ही आपके भी स्टेट में यूनिवर्सिटी होंगी, डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है या फिर संभाग लेवल पे यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं हर स्टेट में, और ये कॉलेजेस होती हैं जो मेरिट के आधार पर स्टूडेंट को लेती हैं। मेरिट कैसे, जैसे 12th के बेसिस पे जो परसेंटेज होती है उसके बेस पे लेते हैं, और अगर 3 ईयर्स वाले प्रोग्राम की हम बात करें तो जो ग्रेजुएशन की आपकी परसेंटेज है उसके बेसिस पे एडमिशन होते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन, जब आपका यहाँ कहीं एडमिशन नहीं होता है तो फिर एनी प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आप कभी भी जाएं और आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यदि हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें, तो आप क्लैट एंट्रेंस एग्जाम दें। और क्लैट एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है इसके बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रॉडली कि इसका सिलेबस क्या होता है, लेकिन आप अब इस साल क्लैट एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हो चुका है। अब आप 220 में क्लैट दे सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप सर्च कर सकते हैं, हर एक स्टेट में कई से 1, 2, 3, 4 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, तो उनके खुद के पर्सनल एग्जाम होते हैं, मीन्स वो खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम है कंडक्ट करवाती हैं। जैसे अगर BHU की बात करें तो BHU अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, यदि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो DU अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद यदि हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी, कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि मेरिट के आधार पर स्टूडेंटों को लेती हैं, और कई ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो खुद के पर्सनल जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कराती हैं, और इनका अपना खुद का अलग एक जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं ये बेसिकली ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती हैं, जो आपकी 12th और ग्रेजुएशन में जो आपकी मेरिट बनती है, मीन्स जो आपकी परसेंटेज बनती है, उसके आधार पर यहाँ पर स्टूडेंट को ले लिया जाता है। और उसके बाद होती हैं एनी प्राइवेट कॉलेज। कई जो फेमस प्राइवेट कॉलेज होती हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, और कई यूनिवर्सिटी मेरिट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मेरिट के आधार पे स्टूडेंट का चुनाव करती हैं। तो
मैंने आपको इस वीडियो बताया कि इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास अलग अलग, आपको जो ऑप्शन बेस्ट लगता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बात करें तो एक इनमें अंतर डिफरेंट ये हो जाता है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको अच्छी फैकल्टी प्राप्त होती, अच्छा एक एटमॉस्फियर मिलता है, और जो लॉ का जो पढ़ने का तरीका है आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सारे तरीके थे आपको एडमिशन लेने के लिए। और आगे हम एक क्लैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और अभी आप 2021 में अभी कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो।